फूड फॉर फूडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत चटपटा एपिसोड है। इसमें हम बहुत सारी चटनियाँ बनाने वाले हैं। आंवले की चटनी नहीं बना रही हूँ इस बार, क्योंकि वो हम पहले बना चुके हैं। उसका लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो आइए देखते हैं अपना चटपटा एपिसोड चटनियाँ। हमारी पहली चटनी है अमरूद की चटनी। और अगर कभी अमरूद रखा रह जाएगा ना, तो ये चटनी बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनती है, बहुत ही ईजी और बहुत टेस्टी। तो आइए देखते हैं अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी ये बहुत ही टेस्टी होती है, प्लस सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी भी होती है। प्लस कभी आप अगर अमरूद रख के भूल जाए ना, तो ये बनाइएगा। इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल पका हुआ अमरूद, हरी मिर्च, हरी धनिया, कुछ लहसुन की कलियां। और अगर आप लहसुन अवॉइड करना चाहें तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लहसुन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नमक, काला नमक और भुना जीरा पाउडर। यहाँ पर मैंने अमरूद को डाइस कर लिया है, बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है, और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्च भी डाल देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे और लहसुन की कलियां भी। अब इन सभी चीजों को पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैं बाकी बचा हुआ अमरूद भी डाल देती हूँ इसमें, हरा धनिया भी, और साथ ही मसाले यानी नमक, काला नमक और भुना जीरा पाउडर, और इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर देते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब यहां पे अमरूद जो है वो पका हुआ है, इसलिए मीठा है। उसी को बैलेंस करने के लिए मैंने जरा सा नींबू डाला है। और अब हमारी चटनी फाइनली तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये नॉर्मल चटनी से बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा जेली जेली टाइप का है ये अमरूद की वजह से, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो हमारी अगली चटनी है टमाटर की चटनी। और टमाटर और गुड़ से बनने वाली बहुत ही ईजी अच्छी सी रेसिपी है, जो आप 10 से 12 दिन फ्रिज में रख के इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और इस चटनी को सुनते ही मुँह में पानी आने लगता है। एक्चुअली इससे एसोसिएटेड है आलू के पराठे और मुंगौड़े, इन दोनों के साथ ही इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आइए देखते हैं टमाटर की चटनी। तो आइए बनाते हैं टमाटर की चटनी। और ये गुड़ वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे उसमें जीरा, जीरा चटका लेंगे। और अब हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, इसको हमने बारीक काट लिया है। वैसे भी अदरक जब चटनी में मुंह में आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मिक्स करेंगे और अदरक को ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए क्रंची हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये देसी टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे। इस सीजन में ये टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम यू नो खट्टे खट्टे। इन्हें मिक्स करेंगे और फाइनली अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो है नमक और लाल मिर्च। बस ये बहुत ही सिंपल चटनी है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। इसमें टमाटर का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो नमक और लाल मिर्च डाल के भी हम अच्छे से चला देंगे। बेसिकली नमक डालने से टमाटर थोड़ा जल्दी पकेगा। अब यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है 5-7 मिनट के लिए, और 7 मिनट बाद हमने चेक किया तो टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक पानी छोड़ चुका है और पक गया है। और इसको हम थोड़ा सा क्रश करके देखते हैं अच्छे से हो रहा है। थोड़ा सा मशी कर देना है हमें टमाटर को, लेकिन इसका पूरा जो क्रंच है वो नहीं जाना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। यहाँ पे मैं पुराना गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, नया गुड़ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप मैंने गुड़ डाला है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और भी गुड़ डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब हम इसे गुड़ में ही पकाएंगे, जब तक कि गुड़ थोड़ा सा थिक ना हो जाए, यानी गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ मैंने ढक के इसे पका लिया है 2-3 मिनट के लिए। और यह हमारी चटनी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है, गुड़ गाढ़ा होने लगा है। और आप इस चटनी को कम से कम 8-10 दिन रख के फ्रिज में आराम से खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है, खासकर कि आलू के पराठे और मुंगौड़ों के साथ। और नंबर 3 पे है हमारी धनिया की चटनी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी है। रेस्टोरेंट में कई बार कलर्स यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो लोग डालते हैं चटनी को टेस्टी बनाने के लिए, पर ये चटनी बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट की है। और इसमें जो नट ने कमाल किया है ना, सीरियसली मानिए, आप इसे 3 दिन भी रखिएगा और खाइएगा ना, लगेगा एकदम फ्रेश पीसी हुई है। तो आइए देखते हैं धनिया की चटनी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल धनिया की चटनी। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, साथ ही हमें चाहिए 1/2 कटोरी दही, भुना जीरा और नमक।
और सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ है काजू। इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पीनट्स या मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में सारा सामान डाल लेंगे, जैसे धनिया, हरी मिर्च, अदरक, रफली चॉप किया है इसे, साथ ही डाल देंगे दही। दही डालने की वजह से हमें इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। काजू, जरा सा नमक और भुना जीरा पाउडर। काजू ऐड करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये चटनी को बिल्कुल फ्रेश रखता है। देखिए हमारी चटनी ग्राइंड होके बिल्कुल तैयार हो गई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है ना, वही कलर है। और इसको आप आराम से 3 दिन तक रखिए, एकदम ऐसी ही लगेगी जैसे आपने तुरंत पीसी है। तो आप इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइज ये था हमारा आज का चटपटा एपिसोड चटनियाँ। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको एक कैसा लगा। और हमारा एक नया कंपाइलेशन इस वीक आने वाला है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी से अपने कंपाइलेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग फूड फॉर फूडीज।